नमस्कार, रुद्राक्ष माध्यमिक विद्यालय बालेश्वर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजू सुतार, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लसब और मसब के बारे में। लसब दो या दो से अधिक जितनी भी संख्या है उनका साथ में लिया जाता है, और मसब अलग अलग संख्या का संख्या चाहे दो या तीन भी हो लेकिन सभी का अलग अलग लिया जाता है। तो अब आओ करके देखें कि कैसे ये होते हैं। तो एक तरफ तो हम करेंगे लसब और एक तरफ हम करेंगे मसब। पहली अपनी संख्या है 36 और दूसरी है 84। मैंने आपको पहले भी बताया कि लसब दो या दो से जितनी भी संख्या है सभी का साथ में लिया जाता है, और मसब संख्या का अलग अलग लिया जाता है। तो लसब तो साथ में लेंगे, अब आओ करके देखिए ये कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो संख्या आएगी वो संख्या होती है अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या कहते हैं किसे, कि जिस संख्या में किसी संख्या का भाग नहीं जाता, खुद की संख्या के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दो, दो में सिर्फ दो का ही भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। फिर आती है तीन, फिर चार, चार में दो का भाग जाता है इसीलिए चार अभाज्य संख्या है नहीं। पाँच में सिर्फ पाँच का भाग जाता है, छः में दो का जाता है और तीन का भाग इसलिए छः अभाज्य संख्या नहीं है। सात में सिर्फ सात का भाग जाता है, आठ में भी दो का जाता है इसलिए आठ अभाज्य संख्या नहीं है। नौ में भी तीन का भाग जाता है, दस में भी जाता है दो का भाग जाता है, ग्यारह, ऐसे आगे करके अभाज्य संख्या आती रहती है। इसीलिए अभाज्य संख्या वो होती है जो जिस संख्या में खुद की संख्या के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और इस तरफ जो संख्या आएगी वो होती है अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो, और दो में छत्तीस, दो का भाग छत्तीस में भी जाता है और चौरासी में भी जाता है। तो दो का भाग दिया छत्तीस में, भाग गया अट्ठारह बार, और इस चौरासी में दो का भाग गया बयालीस बार। फिर वापस अठारह में भी दो का भाग जाता है और बयालीस में भी दो का भाग जाता है, तो इसलिए यहाँ पर दो का भाग देते हैं। अठारह में दो का भाग गया नौ बार और बयालीस में दो का भाग गया 21 बार। अब देखो तीन का भाग नहीं जाता है और 21 में भी दो का भाग नहीं जाता, तो इसलिए तो यहाँ पर रखेंगे तीन, क्योंकि तीन में नौ में तीन का भाग जाता है और 21 में भी तीन का भाग जाता है। तो यहाँ पर तीन का भाग नौ में दिया तो तीन बार, और तीन का भाग 21 में दिया तो सात बार। फिर तीन का भाग जाएगा, तीन का भाग दिया तीन में एक बार, सात में पूरा तीन का भाग नहीं जाता तो सात को सात वापस फेंक देंगे। फिर सात का भाग जाएगा, एक में नहीं जाता तो एक का एक, और सात में सात का भाग एक बार, ये अपना पूरा हो गया। अब जो आगे संख्या आएगी वो संख्या है दो गुणा दो गुणा तीन गुणा तीन गुणा सात। तो अब इसका हम क्या करेंगे, गुणा, दो दुनी चार और चार तीय इस बारह, और बारह और तीन का गुणा करेंगे तब आएंगे छत्तीस, और छत्तीस और सात को गुणा करेंगे। छत्तीस और सात का गुणा करके हम देख लेते हैं, छत्तीस और सात का गुणा किया तो सात छंग बयालीस, बयालीस का दो की चार, सात त्रिय इक्कीस और चार पच्चीस। तो इसका और इसका गुणा किया तब कितना आया 252। तो हमारा लसब आया 36 और 84 का लसब आया 252। अब हम इन्हीं संख्याओं का क्या करेंगे, मसब। तो मसब करेंगे तो पहली संख्या अपनी 36 और 84। मैंने आपको पहले भी बताया कि लसब साथ में किया जाता है और मसब अलग अलग किया जाता है, तो हम इनका क्या करेंगे अलग अलग। तो अब देखो मसब कैसे होता था, पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो, दो का 36 में भाग गया 18 बार, 18 में भी दो का भाग जाता है दो बार, दो का 18 में भाग गया नौ बार। फिर तीन का, तीन का नौ में तीन बार, फिर तीन एक
अब 84 क्या करते हैं, 84 में 2 कब आ गया 42, 42 में 2 कब आ गया 21 बार, फिर 2 का भाग जाता नहीं, 3 का भाग गया 7 बार, फिर 7 का 1 आ गया। अब जो ये संख्या आएगी उनको लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये संख्या, फिर ये आगे वाली संख्या 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। अब इन संख्या में जो संख्या कॉमन है, बराबर संख्या है, उनको लेना है। बराबर जो इसमें भी हो और इसमें भी हो उसे कॉमन संख्या कहती है। इसमें भी 2 है और इसमें भी 2, तो इनका 2 लिया, इसमें भी और इसमें भी 2 है तो इसका भी 2 लिया, फिर इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है तो इसका 3 लिया, फिर इसमें 3 है और इसमें 7 है तो इस संख्या को नहीं लेना है। तो इसका 2 और इसका 2, तो इनको गुणा करेंगे तब आएगा 2 दूनी 4 और 4 3 12। अब इनका 36 और 84 का मसब तो आया 12 और लसब आया अपन का 252। ओके, थैंक यू।